इस्लाम में ख़वात को एक ख़ूस जगह दी गई है ये आज वावेला मचाने वाले भी सुने कि जैसे ही इस्लाम और मुसलमानों का नाम आएगा तो एक शोशा उठाते हैं हर जगह से कि ये मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाने में बहुत जल्दी करते हैं कि मुसलमान औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं इन्हें चार दीवारी में बंद कर देते हैं इन्हें पढ़ाई से महरूम रखते हैं इन्हें तालीम से दूर रखते हैं और न जाने क्या क्या शोशे छोड़ करके यही तो बातें हैं जो औरतों को उभारने के लिए ही और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए पेश की जाती हैं मैं ख़वातीन से कहता हूँ कि तुम इनकी बातें सुनने की बजाय अपनी तारीख क्यों नहीं पढ़ लेती हैं कि क्या ये जो आज बोल रहे हैं हकीकत में ऐसा ही है अगर ऐसा हकीकत में होता तो कई हज़ार हदीसें माँ आयशा सिद्दीका रिवायत नहीं कर रही होती हदीस की किताबों में उनकी रिवायत नहीं ली जाती कि इल्म और ये तालीम से इनका क्या ताल्लुक औरत का नहीं मेरे अज़ीज़ों मुखसरीन साहबा जिन्होंने कसरत से हदीसें रिवायत की हैं उसमें हजरत आयशा का भी नकाम है उनका भी मक़ाम है इस्लाम ने औरत को एक ख़ुसूसी जगह अता की है इस हदीस से समझ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला इरशाद फरमाया दुनिया में चार औरतें बड़ी इज्ज़त वाली हैं सबसे इज़्ज़त वाली हैं चार औरतों का तस्करा किया गया है वो दुनिया की बा कमाल ख़वा में से हैं जिनमें से पहले नंबर पर सैदा बीबी मरियम रदी अल्लाह तह दूसरे नंबर पर हज़रत सईदा आसिया रजील्ल्ला तीसरे में सईद खदीजतलकुब्रा रद्ल तह चौथे में सईद फातिमत ज़हरा रद्ल तह ये चार औरतों का तस्करा किया गया है और कहा गया है कि दुनिया की ये बामाल खुतिन मुआज़ औरतों में से हैं अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक भी दर हकीकत ये चार औरतों के नाम नहीं ये चार बड़े किरदार भी हैं इन औरतों के साथ एक बड़ा किरदार है अगर हज़रत मरियम का तस्करा आया है हदीस में कि ये बामाल हैं तो साथ में उनका किरदार है वो एक अजीम माँ की शक्ल में आती हैं वो दुनिया की एक अजीम माँ हैं अगर सैदा खदीजतुल्कुब्रा का नाम आता है एक बामाल ख़वातिन में तो वो एक बहुत ही शफीक और मेहरबान बीवी की शक्ल में आती हैं जिन्होंने हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा किया अपने शोहर के लिए सारी कुर्बानियां दी हजरत फातिमत ज़हरा का नाम जब आता है तो वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी होने का किरदार अदा करती हैं इनके किरदारों पर भी तवज्जो होनी चाहिए हजरत सैद तआला और दुनिया की एक अजीम खातून के किरदार में है इन औरतों के किरदार को जब हमारी बच्चियां पढ़ेंगी तो ये मग़रबी प्रोपेगंडे से नहीं बहकावे में आएंगी, गुमराह नहीं होंगी मैं आज तारीख के झरोकों में से चंद ज़रूर सीरतें आपके सामने अर्ज़ करूंगा, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को और ख़ूसियत के साथ हमारे घर की बच्चियों को एक हौसला पैदा हो कि हमारी तारीख रोशन है ख़वातिन इस्लाम से भी जहाँ हम मर्दों के बड़े बड़े कारनामे जिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में खवातीन के भी बड़े कारनामे हैं जिन्होंने इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है इसीलिए कुरान अज़ीम में एक आयत ऐसी आई है जिसमें दोनों का तस्करा आया है मर्द का औरत का मर्द का औरत का साथ साथ में अल्लाह फरमाता बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें हैं बेशक ईमान वाले मर्द इस्लाम और ईमान को अलग बयान किया गया मोमिन मर्द और मोमिना औरतें हैं बेशक इबादत करने वाला मर्द इबादत करने वाली औरत बेशक सच बोलने वाला मर्द सच बोलने वाली औरत बेशक अल्लाह से खौफ करने वाला मर्द अल्लाह से खौफ रखने वाली औरत और अल्लाह ताला ने फरमाया और जो तस्दीक करने वाला मर्द और तस्दीक करने वाली औरत रोज़ा रखने वाला मर्द रोज़ा रखने वाली औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला मर्द अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाला मर्द अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरत दस किस्म की सिफात बयान करके रब फरमाता है अजरन अदीमा यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने बड़ा अजर अजीम तैयार रखा है यही वो लोग हैं यहाँ पर दसों सिफात मैंने जो जिक्र किया इसमें औरतों को साथ साथ बयान किया गया है अगर तुम मुसलमान हो तो औरतें भी मुसलमान हैं अगर तुम मोमिन हो तो औरतें भी मोमिन हैं अगर तुम सादिक हो तो औरतें भी सादिका हैं अगर तुम सायम हो रोजेदार हो तो वह भी सायमा हैं रोज़ेदार खवातीन भी हैं अगर तुम अल्लाह तो अल्ला का जिक्र करते हो तो अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें भी हैं मेरे अजीज़ो इस्लाम को अजीम नौनहाल जो मिले हैं यकीनन किसी न किसी औरत के पर गोद में पले तो ज़रूर होंगे उनकी माओ का किरदार उनकी तरबियत में ज़रूर है हमने तारीख के बड़े बड़े बतले जलील और अलिया कामिल मुजाहिदीन की ज़िंदगी को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है सैदना गौ से आज़म अब्दुल्दिर जीलानी रबाता माँ की तरबियत हमें साफ़ नज़र आती है सदना गरीब नवाज़ ख्वाजा माइनद्दीन हसन चिश्ती रबाता माँ की तरबियत वहाँ पर भी नजर आती है बाजीद बस्तामी उनके भी माँ की तरबियत नज़र आती है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह रहमत ला माँ की तरबियत वहाँ भी नज़र आती है अजीज़ा निगराम में इन हालों को जो इस्लाम के लिए अजीम तोहफे की शक्ल में दिया लाखों सलाम उन माओ की गोदों पर जिन्होंने ऐसे सुनहरे हीरे हमें अता किए